नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। चार धाम की यात्रा को लेकर पल पल की रिपोर्टिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम उस वक्त पहुंचे हैं पौड़ी जिले में, जहां आपको दिखाना चाहेंगे कि चार धाम यात्रा को फिलहाल के लिए यहां रोका गया है। और यहां पर आप देखेंगे गाड़ियों की अगर लाइन की बात करें कितनी लंबी कतार है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखाएं कि देखिए कि ये जो लाइन जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक इस समय यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और यहाँ पर यात्रा को रोका गया है। कुछ लोग इस यात्रा को रोके जाने से, जो काफ़ी समय से यहाँ जाम में फंसे हुए हैं, वो नाराज़ भी हैं और वो पुलिस वालों से यहाँ पर बातचीत भी कर रहे हैं किसी तरीके से। क्या क्या आप लोग कब से जाम में हैं? सर, हमें तो सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं और हम आए हुए हैं नैनीताल से। अच्छा। और देख रहे हैं कि बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। असल में ये कुछ नहीं है, पब्लिक को परेशान करने का एक बहुत बड़ा, जब गवर्नमेंट को पता है कि इतने रजिस्ट्रेशन होने हैं और इतनी गाड़ियाँ जानी है, उसके बावजूद भी आप लोग मतलब इतनी गाड़ियाँ पास क्यों करवा रहे हैं? और इवन जो भी हाई सिक्योरिटी कमांडर है, जो भी इतने लोग, उनको तो पास करवा दिया जा रहा है, लेकिन हम पब्लिक को मतलब परेशान किया जा रहा है। अच्छा, कितनी देर से आप लोग जाम में फंसे होंगे? 1 घंटे से ऊपर हो गया सर, नहीं बल्कि 2 घंटे हो गए खड़े हुए। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये पुलिस, क्या कह रही है? जवाब नहीं है कुछ, कोई जवाब नहीं है। हमें सीतापुर जाना है तो आप बोल रहे हैं, पुलिस वाले अभी बोल रहे थे 3 दिन लगेंगे आपको जाने के लिए। अब आगे हमारे 2 बस आगे घट जा चुकी है, किचन की बस यहाँ पर है, बच्चा वहाँ पर बस में है सब, और खाना कैसे खाए? अब उनको पूछा तो वो बोल रहे क्या हम ही प्रबंध करें, सीएम से बात करो, डीएम से बात करो। अब हम गरीब कैसे बात करेंगे, हम महाराष्ट्र से आए हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, आप क्यों आए इधर, हम रजिस्ट्रेशन करके आए, लीगली रजिस्ट्रेशन करके आए हैं आप यहाँ पर। अब वो बोले क्यों आए हैं आप, हमारी गलती हो गई, भगवान के लिए हम आए हैं और आप माफ करो सरकार। अब जो सीएम है, डीएम है, आपसे विनती है हमारी, अब यहाँ से हम नहीं आएंगे। बहुत 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 आपने कर लिया, स्वच्छ बसेज चाय नहीं है, क्या करें हम, स्वच्छ बसेज चाय नहीं है। 12-14 घंटे तो गंगोत्री में चले गए रात भर, और ये 6 बजे से हम रुद्र काशी है ना, वहाँ से निकले 6 बजे से, ना खाने का प्रबंध है ना चाय का प्रबंध है। देख रहे हैं श्रद्धालु लोग हैं, परेशान है, और परेशान होने की वजह यही है कि लंबे समय तक जो ये जाम लगा है, उस जाम के बाद से काफी खासा परेशान है। बहरहाल कैमरा मैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।